अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव्स से रेलेवेंट कुछ टर्म्स को आपने अंडरस्टैंड किया लास्ट लेक्चर में। अब हम स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहली फॉर्मेशन इसकी है स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड से फिक्स है, दोनों एंड पे फिक्स है, लाइक ये एक स्ट्रिंग है और एक इसका एंड ए है और एक एंड इसका है बी। सो कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्ट्रेच्ड अंडर टेंशन टी, और उसमें जो टेंशन है वो टी है, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इफ द स्ट्रिंग इज प्लक्ड एंड देन रिलीज्ड, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग को किसी एक पॉइंट से प्लग करते हैं, आपकी मर्जी है आप कहां से प्लग करना चाहते हैं, आप इस पॉइंट से प्लग कर लें, आप मिड से प्लग कर लें, आप क्वार्टर से प्लग कर लें, किसी एक पॉइंट से जब आप प्लग करेंगे तो दो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। एक ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में जाएगी और एक ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में जाएगी, दोनों अपोजिट जाएंगी और रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। अब कितनी वेव होगी, दो, एक चले एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड जब आएगी तो दो वेव्स हो गई, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई और क्या प्रोड्यूस होगी, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कौन सी दो वेव्स से मिलके बनी, वो दोनों वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स। सो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं। तो इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एंड देन रिलीज्ड, अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव प्रोपगेट अलोंग इट्स लेंथ एंड रिफ्लेक्टेड एट द एंड। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये कितनी है, एक इंसिडेंट और दूसरी रिफ्लेक्टेड, विल सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। अब ये जो वेव प्रोड्यूस होगी ये इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि एंड्स के ऊपर हमेशा नोड्स बनेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पे जो स्ट्रिंग है उसके पार्टिकल्स को फुल फ्रीडम नहीं होती वाइब्रेट करने की, इसलिए यहां पर क्या बनेगा, नोड, और इधर क्या बना, एंटी नोड। तो यही बात है, नोड्स आर फॉर्म्ड एट रिजिड एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन देम। नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन। मतलब आप जरा देखिए, इस एक सेगमेंट में आप चेक कीजिए, नोड्स हैं टू और एंटी नोड है एक। सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ नोड्स टू है और एक माइनस कर दीजिए, यानी इसमें हमेशा नंबर ऑफ नोड्स एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ एंटी नोड्स से। वेलोसिटी ऑफ वेव यानी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर एम, वेयर टी इज टेंशन विद टी इज फोर्स एंड एम इज नॉट जस्ट मैस, एम इज मैस पर यूनिट लेंथ। तो इस एम का अगर आपको यूनिट पूछा जाए तो इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर। ये स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें ये फार्मूला होगा, यू नो वेलोसिटी का फार्मूला है टी ओवर एम, तो वी इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा टी ओवर एम। सो यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ टी ओवर एम, ठीक हो गया, ये लैम्डा इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हम कहां से प्लग करें और कितने लूप बने, कितने सेगमेंट्स बने, क्योंकि इस स्ट्रिंग में आप अपनी मर्जी से एक लूप बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इतनी ही लेंथ में एक से ज्यादा यानी दो लूप बना सकते हैं, सॉरी ये फिर वही बन गया, एक लूप है ये और इस तरह ये दो लूप, आप इस तरह से तीन लूप बना सकते हैं। तो कहां से प्लग करें तो कितने लूप बनेंगे, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, फॉर ऑब्टेनिंग एन लूप्स, सपोज अगर आप चाहते हैं एक लूप तो एन को
वन पुट कर दें, आप यह आएगा एल बाय टू एन, ठीक है। अब अगर आप एक लूप बनाना चाहते हैं, एक सेगमेंट बनाना चाहते हैं, तो एन को वन पुट कीजिए तो लेंथ आ जाएगी एल बाय टू, यानी मिड से प्लग करेंगे। अगर आप दो लूप चाहते हैं तो एन को पुट कर दो टू, तो टू टू द फोर एल बाय फोर, यानी क्वार्टर से प्लग करेंगे। अगर आप थ्री लूप्स चाहते हैं एल बाय सिक्स, अगर आप फाइव लूप्स चाहते हैं तो एल बाय टेन, तो जितने नंबर ऑफ लूप्स आपको चाहिए एन नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, आप एन की वैल्यू पुट कर दें, एल बाय वैल्यू आ जाएगी कि कहां से प्लग करें और कितने लूप्स मिलेंगे। नाउ स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका फॉर्मूला, जब आप एक सिंगल लूप बनाते हैं तो लैम्डा का फॉर्मूला, ये इन जनरल है, ये जनरल फॉर्मूला है, आप इस जनरल फॉर्मूला से नंबर ऑफ सेगमेंट्स की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए पहले सेगमेंट की वेवलेंथ, यहां पुट कर दो वन, तो पहले सेगमेंट की वेवलेंथ आएगी टू एल। अगर आप चाहते हैं दूसरे सेगमेंट की, यानी ये सॉरी दो सेगमेंट की वेवलेंथ, आप क्या पुट करेंगे एन को टू, तो आ जाएगी एल, यानी वेवलेंथ कम होती जा रही है जितने नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एन उसको डिवाइड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है अपोजिट। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर लैम्डा, लैम्डा की जब वैल्यू पुट की तो ये फार्मूला आ गया जनरल। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, यहां वन पुट कर दें, अगर आप सेकंड हार्मोनिक फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां टू पुट कर दें, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला जब यहां पर पुट किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आ गई। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे। अगर आप टेंशन फोर टाइम करेंगे फ्रीक्वेंसी डबल होगी, अगर आप टेंशन को डबल करेंगे फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टू टाइम बढ़ेगी। ये मैस पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये है इसका फॉर्मूला जनरल, एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन। आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आप एन को वन पुट कर दीजिए, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल के लिए वेवलेंथ ये है फ्रीक्वेंसी एफ वन इज इक्वल टू वी ओवर ट्वेल्व, और ये फंडामेंटल भी है फर्स्ट हार्मोनिक भी, इसमें एक एंटी नोड है जबकि दो नोड्स बन रहे हैं, ये एक सिंगल सेगमेंट है। जब दो सेगमेंट होंगे फॉर्मूला आएगा लैम्डा टू इज इक्वल टू टू एल बाय टू, यानी एल, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ टू इज इक्वल टू वी ओवर एल, यानी एफ टू आएगा टू एफ वन। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन अभी ये पहला स्टार्ट हुआ है, तो ये जहन में रखना है हार्मोनिक ओवर ओवरटोन का फर्क, ठीक है। दिस इज थर्ड हार्मोनिक बट सेकेंड ओवरटोन, दिस इज फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक एंड फोर्थ ओवरटोन। चार अगर एंटी नोड है तो पांच नोड होंगे, नोड हमेशा तादाद में एक ज्यादा होगा। तो एफ वन इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द हायर फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दीज नॉर्मल मोड्स आर कॉल्ड हार्मोनिक्स, सिंगल हार्मोनिक, टू हार्मोनिक्स, थ्री हार्मोनिक्स। F1 is the first harmonic, F2 is the second harmonic and so on, ठीक है। अगर आप इस फार्मूले को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आप यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग वाला फार्मूला एयर कॉलम पे, पाइप के ऊपर जब दोनों एंड ओपन होंगे, अभी मैं उसको डिस्कस करता हूं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट देयर इज अ नंबर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल, बार बार आपको ये बता दिया गया है। द अदर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स, सेकेंड हार्मोनिक पहला ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक दूसरा ओवरटोन। ईच ऑफ द ओवरटोन हैज अ फ्रीक्वेंसी विच इज अ होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, मोर द वाइब्रेशन फॉर एन ओपन ट्यूब। अब ओपन ट्यूब है एक पाइप, ये एक पाइप है, इस पाइप में वेव्स जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, कौन सी दो वेव स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, सपोज इसकी लेंथ है एल,
तो इस केस में बेटे याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ओपन एंड पे। क्यों ओपन एंड पे नोड एंटी नोड बनता है? बिकॉज हेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव फुल फ्रीडम टू ऑसिलेट। अब यहां पर जब फुल फ्रीडम मिलेगी उनको तो एंटी नोड बनेगा और यहां पर नोड। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल में दो एंटी नोड हैं और एक नोड। इस केस में हमेशा एंटी नोड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नोड। कितना तादाद में एक ज्यादा होगा। इसके फॉर्मूले भी वही हैं, लेमडा एन इज इक्वल टू 2L/N एंड एफ एन इज इक्वल टू NV/2L या एफ एन इज इक्वल टू NF1। यू नो V/2L इज F1। सो F1 इज फंडामेंटल, F2 इज सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। आप जरा इस डायग्राम को देखिए, इसमें भी वही चीज है। इस टेबल को देख सकते हैं आप कि फार्मूला वही है, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L/N एंड एफ एन इज इक्वल टू NV/2L। फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल, टू एंटी नोड, वन नोड, एंटी नोड की तादाद एक ज्यादा है। ये बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में आपने पढ़ा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फर्क है। स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव थी, ओपन पाइप में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स यानी। जैसे कि अब आप यहां पर ये सोचते होंगे कि सर वहां पर तो क्लियर था कि हमने प्लग किया स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करवाई, वो जब रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो उन्होंने स्टेशनरी वेव्स बनाई। यहां पर दो वेव्स कहां से आई? आप इस बारे में जरूर सोचिए कि ये एक ओपन पाइप है और इस पाइप में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये मेरा सवाल है कि हाउ स्टेशनरी वेव्स। ये बात ठीक हो गई कि आपको ये समझ आ गया है कि एंटी नोड क्यों बनता है, वो ओपन एंड पे, ये मैंने बता दिया। लेकिन सवाल ये है कि हाउ स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ओपन पाइप जिसमें एयर है। अब दो वेव्स कहाँ से आ जाती हैं अगर हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? इसका जवाब किसी अगले लेक्चर में मैं दूंगा, तब तक के लिए आप सोचें इस बारे में। तो मैंने बता दिया कि इनके फॉर्मूले सेम हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ क्लोज्ड ट्यूब। ओपन के लिए फॉर्मूले अभी मैंने आपको बता दिए थे, लेमडा एन इज इक्वल टू 2L/N एफ एन इज इक्वल टू NV/2L। क्लोज एंड, बेटा क्लोज एंड जैसे के नाम से पता चल रहा है कि एक एंड क्लोज है, तो एक एंड क्लोज पे हमेशा क्या बनेगा? नोड। ये वेव है तो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये बना नोड। एक बात याद रखिएगा कि जहां पर ये पाइप खत्म होता है ना, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्यूब है, जिसमें हमने वाटर को फिल कर दिया और इसमें एंटी नोड बना इस तरह से। ये अगर ट्यूब एंड हो रही है तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर जाके बनेगा, इसको कहते हैं एंड करेक्शन। दैट इज 0.3D, यानी ट्यूब के एंड से जरा सा ऊपर जाके एंटी नोड बनता है
वो जो जरा सा ऊपर है वो कितना है, दैट इज 0.3 डी। डी इज द डायामीटर ऑफ द ट्यूब। अगर आप ये स्मॉल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 0.3 को डायामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, नोड और एंटी नोड यहाँ पे बना। तो हम अगर इसकी लेंथ को कहते हैं एल, तो लैम्डा बाय 4 एक्चुअली पता क्या होगा, एल प्लस 0.3 डी। समय तो गए होंगे, एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड 0.3 डी इज द एंड करेक्शन। लैम्डा बाय 4 इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं 4L, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेवलेंथ ग्रेटर देन 4L होगी। लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4L, ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है जो लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए लैम्डा अप्रोक्सीमेटली 4L ही लेंगे। लेकिन अगर सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब इस तरफ हमेशा नोड क्यों बनेगा, नो फ्रीडम। मॉलिक्यूल्स को यहां पर कोई फ्री मोशन नहीं है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड। अब इसका फॉर्मूला जो है, लैम्डा एन इज इक्वल टू 4L बाय एन, सिर्फ इतना सा फर्क है, इसमें 2 आता है और इसमें 4 आएगा। एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर, यहां पर भी 4L आएगा। एक चीज और भी है, इसमें नोड की तादाद और एंटी नोड की तादाद हमेशा बराबर होगी। और एक चीज, इसमें ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे। अब ऑड हार्मोनिक्स कैसे बनेंगे, ये मैं पूरी डेरिवेशन करवाऊं तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए इसमें ऑड हार्मोनिक्स कैसे बनते हैं। ये है हमारे पास फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का फॉर्मूला लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L बाय 1, यानी लैम्डा n इज इक्वल टू 4L बाय n। अब n को हम ऑड का मतलब पता क्या है, कि दिस n 1 3 शुड बी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड दिस n शुड बी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं बनते। ये कैलकुलेशन है इसकी, ये यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L बाय 1, एफ 1 इज इक्वल टू वी ओवर 4L। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हार्मोनिक इज लैम्डा 3। तो 4L बाय 3, 4L बाय 2 नहीं आ सकता, इस तरह 3V ओवर 4L, यानी 3F1, 5F1, 7F1, 9F1, ठीक हो गया। तो क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसमें फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करना होगा आपने, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब कंपैरिजन अगर आप करें तो ओपन एंड एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L, क्लोज के लिए एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L। तो मैं इधर क्लोज लिख देता हूं, इधर मैं ओपन लिख देता हूं। एफ क्लोज को मैं लिख सकता हूं एन वी ओवर 2L इंटू 1/2। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ओपन एंड का। आप यहां से लिख सकते हैं एफ ओपन इज इक्वल टू 2F क्लोज। अगर एक फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि एंड है क्लोज, ये क्लोज एंड है, और सपोज इसके फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100 हर्ट्ज। अगर इसी पाइप को मैं क्या कर दूं, ओपन कर देता हूं दोनों तरफ से, लेंथ उतनी रहेगी, लेंथ को चेंज नहीं करना। लेंथ वही रहेगी, एफ ओपन दैट विल बी 200। तो अगर आपको क्लोज
पाइप की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्स है, ये वन एंड क्लोज्ड है, अगर इसी को लेंथ को चेंज किए बगैर हम दोनों एंड को ओपन कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा डबल पहले से, ठीक हो गया। तो ये था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप, स्टेशनरी वेव्स वन एंड क्लोज्ड। अब आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं आंसर दे देता हूं, 1 मीटर यानी लेंथ 1 मीटर गिवन है, प्लग्ड नियर वन एंड। व्हाट इज द 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स? लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12/1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12/2, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 12/3। अब ये फर्स्ट 3 लॉन्गेस्ट हैं। लैम्डा 4 क्या आएगा? 12/4, यानी जितना आगे चलते जाएंगे वेवलेंथ स्मॉल होती जाएगी। तो पहली 3 2l, l कितना है 1, तो पहला आंसर आ गया 2, दूसरा आ गया 1, तीसरा आ गया 2/3। ओके, हो गया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी वेव हैज फ्रीक्वेंसी 165, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स, लैम्डा बाय 2 सवाल पूछा गया है। दिस इज क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है? ये बेटे कंसेक्टिव नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो दैट इज लैम्डा बाय 2। अब आपसे ये सवाल है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 165 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड इज 330, यू नो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, वी इज 330 एंड दिस इज 165। लैम्डा सवाल नहीं है, सवाल है लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो लैम्डा का आंसर आ गया 165 का डबल है 330, लैम्डा है 2 मीटर, बट क्वेश्चन इज नॉट लैम्डा, आंसर ये नहीं देना आपने, ठीक है, आंसर है लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक F1 स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तो F1 इज 100, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन, हाँ जी आप मेरे से पहले आंसर दीजिए, थर्ड ओवरटोन का मतलब है फोर्थ हार्मोनिक, सो F4 इज इक्वल टू 4F1, 4 × 100 यू विल गेट 400। तो ऐसे सवाल आएंगे, ये कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट। आप इस इन क्वेश्चंस को, इस लेक्चर को पढ़िए और उसके बाद आप इससे रेलेवेंट अपनी FSC की बुक के भी, अपनी FSC की ऑब्जेक्टिव की बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा उससे इन रेलेवेंट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप MD CAT के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।